गेट, और वहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पानी का स्तर, ये देखिए। तो क्या नज़ारे हैं, अद्भुत। ये देखिए, ये है तांडुला डैम। हाय दोस्तों, मैं हूं देव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवटर व्लॉग्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं घूम रहा हूं बालोद में, और बालोद में काफ़ी फेमस एक डैम है जो कि तांडुला डैम। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से तांडुला डैम है, बहुत ही खूबसूरत डैम है दोस्तों। अभी डैम के पास मैं खड़ा हूँ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए कि मेरे आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करता, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको बालोद का तांडुला डैम। देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत। और अभी हम लोग दोस्तों देखिए, ये डैम है और डैम के जस्ट नीचे से एक रास्ता आता है जो बालोद की तरफ से है। अभी हम लोग यहीं से आए हैं और देखिए यहाँ से आए हैं, और ये देखिए इधर का नज़ारा, और इधर डैम है, और ये डैम जाने का रास्ता बाइक पार्किंग कर दिए। तो चलिए चलते हैं और आपको डैम का नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ बोर्ड में क्या लिखा है वो भी दिखाता हूँ पहले। और दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड नुमा बनाया गया पिल्लर में, देखिए यहाँ इसका डिटेल दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, कितना इसकी कैपेसिटी है, क्या है, पूरा टोटल दिया हुआ है। तो आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे से दिखाता हूँ तांडुला डैम। तो देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है, चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर है सीढ़ी। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं जल्दी से तांडुला डैम। और ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं, अद्भुत। ये देखिए, ये है तांडुला डैम। तो ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं, क्या हवा चल रहा, ठंडा ठंडा। बांध के पास खड़े हम, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये देखिए क्या पानी है चारों तरफ। उधर बीच में देखिए, वहाँ पर मच्छी पालन के लिए बीच का उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए देखिए किस प्रकार से लहरें चल रही, देखिए पानी दोस्तों, इधर पूरा पानी ही पानी है। ये देखिए पूरा पानी है। हम उधर भी आगे जाएंगे दोस्तों, उधर भी है, फिलहाल हम यही दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, और यहाँ से सीढ़ी है दोस्तों, देखिए यहाँ से नीचे जाने के लिए, लेकिन आप आइएगा तो जाइएगा मत, थोड़ा रिस्क है, हम आपको दिखाना इसलिए थोड़ा सा दिखाते हैं उतर के। ये देखिए इधर भी सीढ़ी है, इधर भी देखिए। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं सीढ़ी के नीचे उतर के, और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, ये ऐसे जाने का, और यहाँ से नज़ारा देखिए तांडुला डैम का, चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और ये देखिए इधर का कुछ नज़ारा, सीढ़ी है दोस्तों। हम लोग डैम से फिर आगे आ गए हैं, वो वाला डैम वहाँ पर था दोस्तों, और वहाँ से क्या थोड़ा सा घुमाव हुआ है तो वहाँ से रास्ता नहीं है। और यहाँ पर एक गांव है देवरू तरई, तो जस्ट उसी के सामने यहाँ थोड़ा दूर आने के बाद देखिए यहाँ पर से फिर डैम का फिर शुरुआत होता है, और यहाँ से वहाँ तक का छोर बहुत लंबा है दोस्तों। चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं कैसा माहौल है, यहाँ भी चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, क्योंकि इस गांव में मैं एक जन दोस्त का बारात आया था और काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है ये यहाँ से जलाशय। देखिए दोस्तों यहाँ से जलाशय है, और यहाँ से आया हुआ, यहाँ से टर्निंग हुआ है, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये इसका आखिरी छोर आपको जाएगा सीधा वहाँ पर, और शायद कोने में बोटिंग वगैरह भी होता है,
तो आगे जाने पे पता चलेगा, काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ। ये देखिए नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग तांदुला डैम के सेंटर जगह पे आ चुके हैं बीच में, और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से छोटी सी मंदिर वगैरह है। यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क होता है, वहाँ पर 3-5 और गेट है, मतलब 6 गेट है। उधर और गेट है, मतलब अलग अलग गाँव के लिए सप्लाई के लिए गेट बनाया हुआ है। यहाँ पर पार्किंग के लिए व्यवस्था है, और यहाँ पर देखिए पानी छोड़ा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। पानी देखिए क्या तेज़ रफ्तार में बह रहा है, ये देखिए क्या धार मार रहा है दोस्तों पानी को। देखिए तो ये देखिए क्या नज़ारा है पानी का। और ये है दोस्तों तांदुला जलाशय, तांदुला जलाशय जल छोड़ा जा रहा है देखिए, और वहाँ से गेट और है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गेट खोला है, और नीचे से पानी आ रहा है, और यहाँ पर देखिए जाली वगैरह रखी हुई है मच्छी पकड़ने के लिए। और आपको डैम का नज़ारा दिखाते हैं कुछ इस तरह से। और ये रास्ते से हम लोग आए थे अभी फ़िलहाल, और ये देखिए ये तांदुला डैम का नज़ारा। और ये देखिए सीढ़ी ऊपर तक जा रही है, और मैं शायद सेकंड या थर्ड बार आ रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये देखिए, और देखिए नीचे से कुछ नज़ारा, क्या ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों। ये देखिए और ये वाला रास्ता जाएगा बालोद की तरफ, और ये देखिए है ये गेट, और वहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पानी का स्तर। ये देखिए 43, 42, 41, 40 क्यूसेक करके, और यहाँ पर तांदुला और सूखा जलाशय का डिटेल दिया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए नज़ारा, चलिए चलते हैं। और ये देखिए अभी ताला बंद है फिलहाल तो, और देखिए सूरज भी डूब रहा है। देखिए पानी का लिखाया हुआ है, दिखाता हूँ आपको मैं लेवल, कितना लेवल है अभी पानी का। देखिए 37 क्यूसेक मीटर, कौन से मापते हैं ये लोग जाने। और ये गेट है देखिए, यहाँ से पानी पार होती है, और इधर का भी नज़ारा देखिए। और दोस्तों शायद वहाँ पर बोटिंग होती है, वो देखिए आखिरी छोर है, वहाँ पर बोटिंग होती है। अभी समय है, थोड़ा कोशिश करेंगे वहाँ जाने का, बोटिंग हो रही कि नहीं। शाम को बंद हो जाता है 5 बजे के बाद। पानी का नज़ारा देखिए, यहाँ से छोड़ा जा रहा है पानी, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, और धीरे धीरे यहाँ से छोड़ा जा रहा है देखिए।